क्या पैगाम देंगे लीमा साहिबा, पैगाम क्या देंगी? कोई पैगाम देना चाहिए करवा दिया। मैडम कल से ये खबरें गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके बड़े खतरात हैं, आप क्या कहेंगी? चले ना, आप चलते जाए जी, आप भाईजान आगे चलते जाए, मेहरबानी करें आगे चलते जाए। चले चले आगे, चले आगे, आगे चलते जाए। आगे चलते जाए, आगे आगे चलते जाए, आगे चलते जाए पहुंचने की। चलो जी मैडम, इस तरह आगे चलते जाए, आगे के नहीं चलो तो सारे थोड़ा थोड़ा टूटते जाओ, आगे चलते जाए भाई साहब, सर आगे चलते जाए, आगे सर प्लीज मैडम 15 तारीख को फिर आगे चलते जाए सर, आगे चलते जाए, मेहरबानी करें थोड़े थोड़े आगे होते जाओ, आगे चलते जाए भाई जान। कितनी एफ आई आर है पीटीआई के सोशल अकाउंट कौन आपको मिल रही है? अभी जो है पहले से 5 आगे चलते जाए, थोड़ा रास्ता दे दो, चलो रास्ता दे दो, मेहरबानी रास्ता दे दो, ये गेट तो हट गया आगे, थोड़ा गेट हट गया, गेट आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे देख रहे मैडम, इस तरह आगे चलते जाए, आगे के नहीं चलो तो सारे थोड़ा थोड़ा टूटते जाओ, आगे चलते जाए भाई साहब, सर आगे चलते जाए, आगे सर प्लीज मैडम 15 तारीख को फिर आगे चलते जाए सर, आगे चलते जाए, मेहरबानी करें थोड़े थोड़े आगे होते जाओ भाई, आगे चलते जाए भाई जान। कितनी एफ आई आर है पीटीआई के सोशल अकाउंट कौन आपको मिल रही है? अभी जो है पहले से 5 आगे चलते जाए, थोड़ा रास्ता दे दो, चलो रास्ता दे दो, मेहरबानी रास्ता दे दो, ये गेट तो हट गया आगे, थोड़ा खोल आप पीछे हो जाए, पीछे देख रहे बात कर रही, मैं देखिए कोई सियासी वो नहीं कर रही, मैं तो इस वक्त अपनी फैमिली के लिए खड़ी हूँ, मेरे भाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ,
मेरी बहनें बगैर वजह के अंदर हैं, मेरा बेटा 1.5 साल से अंदर है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मैं अपने बेटे की भी कभी बात नहीं करती क्योंकि बहुत सारे बच्चे और हैं उसकी साथ के जो अंदर हैं। मेरा दिल है कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको इंसाफ मिले, चाहे वो मेरी बहन है, मेरा बेटा है और जो बाकी बच्चे हैं। पहले कह दे तो मेरे ख्याल जुडिशल हो जाते, पूछा नहीं होगा किसी ने, लेकिन इंसाफ तो सबको चाहिए होता है। जो इधर आते हैं उसको इंसाफ के लिए आते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करे सबको इंसाफ मिले और इनको भी इंसाफ मिले, क्योंकि इनका ना कोई कसूर था, सिर्फ वो एहतजाज के लिए निकली थी और इस मुल्क और भाई के लिए निकली थी। आप मुझे बताएं कौन सा कसूर था उनका और अभी भी क्या कसूर है इनको, जिस तरह ले लेके फिर रहे हैं। वो जो वहाँ पे थानों में ऐसे लगता है जैसे कोई मुजरिम इनके हाथ आया हुआ है। मुजरिम तो बहुत होते हैं लेकिन ये मुजरिम नहीं थी, ये तो पाकिस्तान के जो होते हैं ना मुखलिस कारकुन, पाकिस्तान के लिए हम बैठे थे और भाई भी हमारा उसी का हिस्सा है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल किसने दी हुई है? 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट में हमने 20 मुलाकात और एक मुआलिज डॉक्टर की मुलाकात। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुझे मनवा देते तो मैं क्या कर सकती थी, वहाँ तो अकेले नहीं मिलना था, ना मैं कोई पैगाम लेके जा सकती। सिर्फ एक रिश्ते है, मेरा भाई है। आप यकीन करें जब से मुलाकात बंद है इतनी परेशानी है, क्योंकि आप हर किस्म का, जब आप परेशान होते हैं तो हर किस्म का वहम और ख्याल आता है। कहा जा रहा है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसको सबोताज करने की साजिश है। पता नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या कहा जा रहा है। मुझे ये पता है कि ज्यादती और जुल्म हो रहे हैं और कल हम इसी के लिए अदालत में गए थे। अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे। अब लोग एहतजाज और पूरी दुनिया में आप देखें एहतजाज होते हैं, मुझे नहीं पता एहतजाज कोई जुर्म है। सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े लाखों के एहतजाज होते हैं, हमारे अभी एहतजाज शुरू होता है तो मार धाड़, आंसू गैस, डंडे। मुझे बताइए क्या मुल्क है, मुझे तो तकलीफ होती है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हलीमा खान साहबा भी बैर नहीं आती और इमरान खान साहब भी बैर नहीं है तो जो 15 अक्टूबर को आपका धरना या लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप क्यादत करेंगे, जाएंगे डी चौक? क्यादत तो नहीं, शामिल होंगे ज़रूर और सब शामिल होंगे। हाँ हम शामिल होंगे, हमारा जो ख़ानदान बचा हुआ है वो भी आएगा, जितने लोग बचे हुए हैं तो, लेकिन शामिल होंगे। लेकिन मुझे क्यादत तो ज़ाहिर है क्यादत मौजूद है, पीटीआई के पास क्यादत है, क्यादत की ज़रूरत है। लेकिन, अच्छा नूरीन साहब क्यादत तो मौजूद है। आपको पता है कि आजकल MNAs की क्या परेशानी थी कि MNAs को पहले उठाया जाता है फिर उनके सौदे लगते हैं। आप देखिए अगर पाकिस्तान कितना गरीब मुल्क है और एक एक MNA एक एक अरब में बिक रहे हैं, सुन रहे हैं हम। क्या अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं क्या एहतजाज में? अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं? कल जो मुलाकात नहीं होने दी गई उसके बाद जो क़यादत का फैसला है, क़यादत पे फिर आपको इत्माद है या नहीं, क्या कहेंगे? जी इत्माद है, खान साहब ने उनको क़यादत दे दी। लेकिन जो वर्कर है वो इत्माद नहीं कर रहे हैं। वो सवाल आपके बीच में शामिल कर देते हैं क्योंकि देखिए हर किस्म के लोग वो इनको और परेशान कर देते हैं। यकीनन मेरा नहीं ख्याल क़यादत मुखलिस नहीं है, यकीनन मुखलिस है। अच्छा ये बताइएगा, बात को फॉलो करिए, ये बताइएगा कि इमरान खान का सारा खानदान जो है वो जेलों में FIRs में है लेकिन आपका वजीर आला KP के वो KP हाउस में बैठा है, वजीर दाखिला से मुलाकातें कर रहा है। वो तो वहाँ पे वो बड़ा KP के में जो मसला था उसको डील कर रहा था। मेरा तो ख्याल तो बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे कल, मुझे नहीं पता, वैसे मैंने TV पूरा देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब उनको समझते हैं कि उनके बड़े मुखलिस हैं। लेकिन आप इस सवाल आज की जमानत के हिसाब से करो करें ना, प्लीज आपने मैं सियासत नहीं हूँ लेकिन मैं जो समझती हूँ मेरी अपनी छोटी समझ है ना, मैं इतनी बड़ी सियासतदान हूँ। आप इमरान खान की बहन है, इमरान खान की जान को खतरात के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश करती रहती है, हलीमा खान साहिबा भी बताती रहती, तो आप तक ये इत्तला कौन पहुँचाता है? हमें भी लोग ऐसे बताते रहते हैं। आप एक जानिब आप कह रहे हैं कोई खान साहब से रابطہ नहीं है, दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है? मुझे तो खान साहब से आपको इंफॉर्मेशन तो नहीं आई, मुझे नहीं आई। कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है? उनकी जान को तो खतरा, आपने देखा था खतरा है, उनको
उनका हेलीकॉप्टर उनको गोलियां मारी, उनके घर में घुसे। आप मुझे पता किसको, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी एक इंसान को खतरा वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन सब के आगे जो दीवार बन के खड़ा है ना, ये सब बंदर बांट पे हैं। आप देखें इन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है, इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी, इनको अवाम की फिक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहे, ये पाकिस्तान के हालात है, फूल लगाए जा रहे हैं। इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान, नहीं बनेगा। ये जो जिस तरह ये कर रहे हैं, जो जुल्म अपने लोगों पे कर रहे हैं, आप सोचें जो लोग उसने पकड़े इनको, उनका क्या कसूर था? वो बच्चे हैं छोटी उम्र के, उनको इनको। और जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला किया गया है उसके हवाले से, देखिए मैं पार्टी की लीडरशिप में नहीं हूँ और ना ही मेरा इन सियासी फैसलों के साथ कोई ज़्यादा ताल्लुक है, ना कोई लेना देना है। मैं भी आप लोगों की तरह एक पाकिस्तानी हूँ और मैं उसी तरह ऑब्जर्व करती हूँ जिस तरह आप लोग करते हैं। आपको अली मीन साहब से पूछना होगा, उनकी ज़रूर कोई मसलियत होगी। ठीक बताइएगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा फेस किया जेल में, उसके बाद अभी आप शहरी छोड़ के पाकिस्तान में बाकायदा तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया? देखिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हमेशा से, मैंने पहले कभी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब मैं उसका एक हालात जिस तरह भी हुए, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने फेस किया, और जैसे मैंने कहा कि सपोर्टर तो मैं हमेशा ही इमरान खान की थी, वोटर भी मैं हमेशा इमरान खान की ही थी, तो अब मैं उस जो उनकी पार्टी है उसका हिस्सा भी बन चुका हूं। सामने कोई क्राउड था ना, वो किसी को इश्तियाल दे रही थी, और उनको वहाँ से उठा के इधर ले आया गया है, और अब रिमांड दी जा रही है बस खींचने के लिए। सो सबसे ज़्यादा तो जो तफ्तीश की बात है वो यही है कि बेसिकली वो खान साहब से रابطہ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खबर वो चाहते हैं कि उनसे कोई खबर बाहर ना आ सके, और अलीमा बीबी थी जो जाती थी और उनका पैगाम लेके आती थी, और अब उनको भी बंद कर दिया गया ताकि वो पैगाम भी ना आए। तो सबसे आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो तफ्तीशनाक बात है वो यही है कि ये सारे रابطے काटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो छुपानी है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इन्होंने खान साहब को जेल में रखना है और बिल्कुल उनको आइसोलेटेड रखना है। अंदर क्या हो रहा है जो कौम को नहीं बताना चाहते। खदीजा शाह साहिबा, अभी आपकी अलीमा खान साहिबा से कमरे अदालत में मुलाकात हुई, उज़्मा खान साहिबा से भी, क्या बताया उन्होंने, क्या उनके दिल के अंदर है? क्या आज तो मौका ही नहीं मिला बात करने का, क्योंकि आपने देखा कि कैसे पुलिस वालों ने उनको खींच खींच के वो हमसे लेके उनको दिए, उन्होंने उनको आज बात करने का मौका तक नहीं दिया। सो आज तो मेरी कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं हो सकी, बट मोराल कैसा था? उनका मोराल हमेशा बहुत ज़्यादा अप होता है, वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ब्रेव और करेजस खातून हैं, वो कभी भी मायूसी की बात नहीं, हाँ इमरान खान की बहन है बिल्कुल वैसी ही है, और कभी भी उन्होंने मायूसी की बात नहीं की, और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ से निकाल। अच्छा। हमेशा उनका मैसेज यही होता है, खान की बताएं उसके क्या हालात हैं।